साथी आपको मालूम है कि जो फोर्स होता है वो किलो न्यूटन में हम मेजर करते हैं और जो मास होता है वो हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो 1 किलो न्यूटन कितना होता है? लगभग 102 किलोग्राम होता है 1 किलो न्यूटन इतना। तो ये जो देख रहे हैं हम बेरिंग, तो ये जो बेरिंग है उस बेरिंग पे हम ये गर्डर पुट करने वाले, हम ब्रिज बना रहे हैं ना। तो ये 3000 कितना होगा देखो, 3130 मतलब 3130 किलो न्यूटन है। मतलब उसको जब हम 102 या 100 से भी मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा देखो, 313,000 किलोग्राम इतना वेट ए बेरिंग ले सकती है। तो उसको लिखा है टाइप ए 3130 किलो न्यूटन फिक्स्ड पॉट बेरिंग। तो इस बेरिंग का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं देखो, इधर जो है हमने इस पॉट को बनाया है, इधर होल्स बनाए, इसमें इस बेरिंग फिक्स करते और उसमें एक गर्डर जो है, एक गर्डर बैठता है। इतना कितना बड़ा गर्डर है देखो, ये गर्डर लगभग 150 टन का गर्डर है और हमें ब्रिज के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो इधर देखो, हम इधर ये बेरिंग लगाते हैं और इस पे ये देखो, ये देखो ये बेरिंग है ना, ये बेरिंग पे समार पूरा ब्रिज होता है, वो वेट करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखो, हर एक सिविल इंजीनियर बंदे के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। धन्यवाद दोस्तों।